झांसी में एक युवती के साथ ही एक युवक ने प्यार के झांसे में फंसाकर शादी करके जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब युवती ने घर ले जाने की बात कही तो उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से ही प्रेमिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंची है। बता दें कि जहां पर शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की यहां पर शिकायत करने पहुंची है और युवती ने बताया है कि वह झांसी के मेडिकल गेट के पास एक लैब में साफ सफाई का काम करती है। इसी दौरान वहां पर काम करने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई और उसने शादी करने के बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसकी गर्भ को जबरन गिरवा दिया और पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि इसके बाद से ही पीड़िता ने बताया है कि उसकी प्रेमी से जब उसने घर पर रहने की बात कही तो उसके परिवार के लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बता दें कि पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या परेशानी आ रही है? सोनू यादव, सुशील यादव है, करगुआ जी में रहता है। कृष्णा पैथोलॉजी लैब पे काम करता था, वहाँ हम सफाई का काम करते थे। हमसे दोस्ती करने की बोली, हमने मना कर दी। हमने जिससे शादी करेंगे उसी से बातचीत करेंगे, तो कहने लगा हम तुमसे शादी करेंगे। साथ में रहने लगा बहुत टाइम तक, फिर कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गया, हमारे साथ जाति की। और जब हमने उसका विरोध करने की कोशिश की तो घर वालों धमकी धमकी देने लगे और हमारा बच्चा आ गया था, एक बार गिरा दिया, फिर दोबारा घर वालों से शिकायत की। खुशबू यादव, राघवेंद्र यादव, सोनू यादव इसका बड़ा भाई और दीदी है, तो ये लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। कह रहे जो दिखा जो कर लो, इसका बड़ा भाई पुलिस में आएगा। कब से रह रहे थे आप लोग साथ में? 4-5 साल हो गई, 2018 से। अब क्या कह रहा है वो? अब शादी करके घर पे छोड़ दिया, कह रहा रखेल बना के रखेगा तुम, मैं तरो हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे ना ही साथ में रहेंगे, और ज़्यादा रिपोर्ट करी तो जान से मार देंगे घर वालों को तुम्हें। आज कहाँ आए थे आप? आज हम SSP ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। क्या बोला गया आपसे? बोला है कि कार्रवाई करेंगे।